रामदेव कांबळे जेएमए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात जेएमए न्यूज बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाइन्स। भारत सरकार 2,00,000 सैन्य कपात करण्याच्या तयारीत। जम्मू काश्मीर मध्ये बिहारच्या कामगाराची गोळ्या झाडून हत्या। अर्थव्यवस्था ढासळत असताना राजकारण्यांनी आश्वासनाची खैरात करणं चिंताजनक, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या डीपी मधून भगवा झेंडा गायब, मोहन भागवतांनीही बदलला आपला डीपी। सोनिया गांधी कोरोना पॉझिटिव्ह, 2 महिन्यात दुसऱ्यांदा झाली लागण। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमए न्यूज और इस वक्त हम उपस्थित हैं खरानी रोड जंगलेश्वर मंदिर के समीप, जहां पर आप देखेंगे कि आज आज़ादी गौरव पद यात्रा जो आज नसीम खान जी के द्वारा निकाला गया, और जैसे कि आज का काम आज एक बार जो है नसीम खान जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ नसीम खान जी के पास। देखिए, सबसे पहले भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश के नौजवानों को, देश के सभी देशवासियों को मैं ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए, देश की आज़ादी बनी रहे उसके लिए इस तरह की आज़ादी गौरव यात्रा पूरे देश में, महाराष्ट्र और मुंबई सहित पूरे देश में निकाल रही है और लोगों को बधाई दे रहे हैं। और आज़ादी की लड़ाई में जिन योद्धाओं ने अपनी जान माल की कुर्बानी देकर देश को स्वतंत्र करवाया है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने पर झेली है, अंग्रेजों की यातनाएं झेली है, बड़े ही संघर्ष के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। आज आज़ाद भारत को 75 वर्ष हो रहा है, लेकिन आज पिछले 8 साल से बीजेपी की केंद्र की सरकार ने जिस तरह से गलत फैसले लेकर, गलत नीतियां लाकर देश को कमज़ोर किया है, जिसकी वजह से आज आसमान छूती महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, सीमा की सुरक्षा खतरे में पड़ी है, तमाम सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने की लड़ाई आने वाले दिनों में और मजबूती से लड़ेगी, ताकि इस देश की आज़ादी को हम सब मिलकर कायम रख सकें। आखिरी सवाल आपसे, आज हर घर तिरंगे को लेकर जो एक बात कही गई है, हर घर तिरंगे को लेकर बात कही गई है, कहीं बच्चों के द्वारा अगर वो तिरंगा कहीं सड़क पर होता है, कहीं किसी जगह पर होता है, उस तिरंगे के सम्मान के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तिरंगे को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून का बलिदान देकर, आहूति कर देकर आज़ादी दिलाई और आज़ादी का प्रतीक ये राष्ट्रीय हमारा ध्वज, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर लहराकर देश के 30 करोड़ जनता को आज़ादी की बधाई दी थी। भारत स्वतंत्र हुआ ये संदेश और ये घोषणा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक कांग्रेस की सभी सरकारों के प्रधानमंत्री, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, नरसिंहा राव जी हों, और देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने देश के विकास और ताकतवर बनाने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस की सरकारों ने लिया, लेकिन पिछले 8 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी जी की सरकार देश में आई है, गलत गलत निर्णय और फैसले की वजह से
देश कमजोर हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, देश की एकता अखंडता संविधान आज खतरे में पड़ा है, तो अब देश की जनता का जो गुस्सा पिछले 8 साल में बीजेपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है, उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए घर घर तिरंगा राष्ट्रीयता की भावना को लेकर बीजेपी की सरकार इस तरह का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर चला रही है। हालांकि तिरंगे का मान सम्मान बढ़े, देश का हर नागरिक, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये चाहता है, लेकिन जिस तरह से तिरंगे की साइज बदलने का काम किया गया बीजेपी सरकार ने किया, उसकी क्वालिटी, उसके कपड़े, जो खादी का तिरंगा होता था उसका अलग मान सम्मान और लोग उसकी इज्जत करते थे, आज जगह जगह पे पॉलिस्टर के झंडे बांटे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और इस झंडे का मान सम्मान कैसे बना रहेगा एक सवालिया निशान आज खड़ा हो गया है। मोदी जी की सरकार को तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है, देश की आज़ादी बाधित रहे अबाधित रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, देश के लोग को न्याय मिले उससे कोई लेना देना नहीं है, बस उनकी राजनीति चलती रहे, लोगों को कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दे से जोड़ के रखा जाया जा सके, इस तरह के ये कार्यक्रम चलाते रहते हैं, इससे कहीं ना कहीं तिरंगे का मान सम्मान को खतरा पहुंचने का डर पैदा हो गया है। पूर्व विधायक नसीम खान जी, जिन्होंने मतलब आज तिरंगे के साथ जो आज पोलिस्टर जो पहले खादी में हुआ करती थी और उसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों को मतलब जो चल रहा है तिरंगे को लेकर उसी के खिलाफ में मतलब कुछ बातें जो अपने रखी गई है, और ये गौरव यात्रा जो आज नसीम खान जी के द्वारा जो आज यहाँ पर हुआ है, ये उन वीर शहीदों को देखकर उन्होंने ये गौरव आज़ादी गौरव पद यात्रा का रैली निकाला है, जिसके साथ साथ अगर आप देखें आज बहुत भारी संख्या में लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक आला नेता, कांग्रेस पार्टी के आला नेता के नेतृत्व में आज ये एक भगवा आज़ादी गौरव पदयात्रा शुरू हो चुका है। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।